चलो ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा भी इसमें हमारे पास सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या होती है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ऐसी क्वेश्चन होती है जिसमें हमारे पास उसकी पावर किसी भी लीनियर जो होती है ना, तीन होती है। सबसे पहले होती है हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन में ही फर्दर ये टाइप्स बनती हैं सारी की सारी ना। हाफ साहब भी आ गए। पॉलिनोमियल इक्वेशन में सबसे जो हमारे पास होती है ए की पावर एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन ए टू एक्स टू प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए नॉट इक्वल टू। अगर जीरो हो जाएगी तो क्वेश्चन बन जाएगी, अगर सिंपल होगी तो हमारे पास एक्सप्रेशन होगा। अगर ये सिंपल इतनी स्टेटमेंट आती है ना, ये एमसीक्यूज आता होता है फर्स्ट ईयर में ना, कि अगर हमारे पास ये सिंपल चीज़ हो, लेट्स सपोज ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ये क्या है, सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हम इक्वल टू जीरो या इक्वल टू फाइव या इक्वल टू कुछ भी लगा देंगे, इक्वल लगा देंगे ना, जब ये वाला साइन आ जाएगा इक्वल का, तब ये बन जाएगी इक्वेशन, ये कन्वर्ट हो जाएगी इक्वेशन में। अब पॉलिनोमियल में हमारे पास अगर इसकी पावर वेरिएबल एक्स वेरिएबल की पावर हमारे पास अगर वन हो तो उसको हम बोलते हैं लीनियर। फिर जिसमें हमारे पास टू पावर हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, जो हमारा आज का टॉपिक है, मेन टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर उसके बाद हमारे पास होता है क्यूबिक। क्यूबिक में हमारे पास जिसकी पावर तीन आ जाए, ये होती है इक्वेशन, ये होती है सिंपल ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। फिर इसके बाद एक होती है बाई क्वाड्रेटिक। बाई मीन डबल, किसका, क्वाड्रेटिक का, जिसमें हमारे पास पावर कितनी आ जाती है, चार। वो भी इसी तरह ए एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू जीरो। अब बात करनी है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात जब करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने ये देखते हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसमें उसकी पावर मैक्सिमम पावर टू हो, तो उसमें हमारे पास वेरिएबल कोई भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स वेरिएबल है तो वो पूरी इक्वेशन अगर वाई में कन्वर्ट कर देंगे तो वाई वेरिएबल में आ जाएगी। अगर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ये देखें, वैसे तो ये होती है हमारे पास बी एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। अगर हम इसकी जगह वेरिएबल में चेंज कर दें, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसी तरह जेड में कन्वर्ट करना है, और इधर ए बी और सी जो है ना वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर में से, सेट ऑफ रियल नंबर। और इसमें कंडीशन ये एक होती है, और सेकंड कंडीशन ये होती है जो फर्स्ट वाला ए है ये डज नॉट इक्वल टू जीरो हो। ये क्यों है, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो इतना पोर्शन ये जीरो हो गया, पीछे लीनियर इक्वेशन रह जाएगी जिसमें पावर वन आ रही है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी। इसमें ये हो सकता है कि बी अगर जीरो हो जाए, सी जीरो हो जाए, तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक तो रहेगी लेकिन उसके नाम चेंज हो जाएंगे। प्योर होता है उसका नाम ना, जिसमें हमारे पास बी वगैरह जीरो हो जाए। ये नीचे लिखा हुआ है, आप देखते हैं इसको। ये देखिए, मैं एन इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर टर्म्स इन विच द वेरिएबल इज रेज टू मैक्सिमम पॉजिटिव पावर टू, जिसमें पावर उसकी मैक्सिमम टू आती है। इन जनरल हमारे पास क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। इधर थोड़ी सी इसने ये की है, ये भी साथ मेंशन करना था, ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में आ गई, वेरिएबल एक्स में। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास तीन मेथड होते हैं। फर्स्ट वन फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड वन कंप्लीटिंग स्क्वायर, थर्ड वन क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इस एक्सरसाइज में हमने तीनों के तीनों मतलब मेथड देखे ने।
ये तो मतलब जो काम है ना, ये तकरीबन 9वीं क्लास से हम करते आ रहे हैं, 9th क्लास से हमने ये स्टार्ट कर दिया था। जी हाफ़िज़ साहब, कौन सा क्वेश्चन है सबसे पहला? सर इसके निशाने नहीं लगाए गए, मैं लगाता हूँ। सर क्वेश्चन नंबर 3 है, 8 है, 9 है और 19 है। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर सर ऊपर गुजर गए। गुजर गया। मैं वो एग्जांपल्स नहीं थे? हाँ अब्दुल्ला वो सब थे। एग्जाम्पल कौन कौन सी है? अच्छा एग्जाम्पल माननी है एक्सरसाइज। अच्छा एग्जाम्पल चलें ये देखें, ये एग्जाम्पल मानना उसकी। सर कहता है फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन में आपको पता है फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं, इन दोनों फर्स्ट और लास्ट वाले को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बन गया, -45x2। अब हमने पेयर इस तरह के बनाने हैं कि प्लस करें हमारे पास ये बने अंदर वाला पोर्शन, और इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बने -45x2। अब ये देखें 15x और 3x। अब माइनस क्यों रखा, क्योंकि इधर माइनस आ रहा है, पंद्रह में से तीन निकालेंगे 12 आ जाएगा, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45x2, और साथ ही माइनस बन जाएगा। अब फर्स्ट टू में क्या कॉमन आ रही है दोनों में से चीज, वो हमारे पास आ रहा है 3x, 3x प्लस 1 रह गया। इन दोनों में से कि हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, माइनस भी कॉमन आ रहा है और साथ 5 भी कॉमन आ रहा है। जब 5 कॉमन लेंगे तो ये रह जाएगा 3x प्लस 1। दोनों में से हमारे पास जब ये देखे 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया 3x माइनस 5। पहले वाला इक्वल टू 0, दूसरे वाला इक्वल टू 0। इधर से हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स की -1/-1/3, और दूसरे की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, 3 नीचे आके डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अच्छा भी इसने आगे सॉल्व नहीं किया हुआ, आगे इसको ऐसे लिखना है सोल्यूशन सेट में ना, -1/3 एंड 5/3, ये सॉल्यूशन सेट में इस तरह लिखना है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, क्लियर हो गया ये? क्वेश्चन नंबर 8 सर, ओके okay. अब्दुल्ला यही है ना? हाँ, यही है। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, इसमें ना थोड़ी सी टेक्निक और इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो वाला फॉर्मूला नहीं हमने करना। लेक्चर नंबर 2, 5 और 6 भी है सर। 2, 5 और 6? यस सर। ओके वो भी देख लेते हैं। 2 वाले में हमने पेयर्स क्या बनाने थे, ये देखो सीधे सीधे इसमें पेयर बन जाते हैं 4 और 3। 4 3 बार 12, 4 और 3 को जमा करेंगे तो 7, वो 4x और 3x। उनको कॉमन लेने के बाद हमारे पास बेसिकली ये चीज होती है, अगर ये चीज बन गई आगे सवाल कुछ नहीं है, आगे उन दोनों फर्स्ट टू में से कॉमन ले लो, सेकंड टू में से कॉमन ले लो, हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। इसके बाद 5वां, ये सवाल है सारे के सारे इसलिए मुख्तसर हो रहे हैं, ये आप लोगों ने ना मतलब थॉरली किए हुए हैं इसको ना। 8 है सर। 5वां नहीं है? ठीक पांच सर, भी है सर। है ठीक हो ऑफिस गया, ठीक हो है। वही गया। अब्दुल्ला कौन, वही वो उसके मैंने क्लास वर्क वाले भी लगाए, होमवर्क वाले नहीं लगाए अभी। हाँ, वही ना, होमवर्क वाले भी होंगे। चले ठीक है कोई नहीं इशू। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स को 7 से मल्टीप्लाई किया, x2 प्लस 7x। 2x को मल्टीप्लाई किया x से, फिर 4 से, -1 मल्टीप्लाई किया x से, फिर 4 से, ये टर्म आ गई। 8 में से एक निकाल दिया, 7 रह गए। अब ये देखें इधर भी 7x है, इधर भी 7x है, ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, या ये सारी टर्म एक तरफ ले आओ, ये वाली दोनों नंबर दूसरी तरफ ले जाएंगे इस साइड पे, ये बन जाएगा 2x2 माइनस ये वाला x2 प्लस 7x, और ये वाला उधर जाके क्या हो जाएगा, -7x और -4, ये पहले ऑलरेडी इधर मौजूद है, तो ये 7x 7x से कैंसिल, x2 2x2 में से x2 माइनस करेंगे, x2 -4। अब इधर से हम इसका वो फॉर्मूला कंप्लीट कर सकते हैं, हमारे पास x2 माइनस
स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, वही हमने किया टू का स्क्वायर, तो इसको एक दफा प्लस में लिख दिया एक दफा माइनस में, फर्स्ट वाला टर्म इक्वल टू जीरो, सेकंड वाली टर्म इक्वल टू जीरो, इधर से हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक हो गया आपका सर? डन है सर, क्योंकि ये इजी है इसलिए मैंने कहा था ये चैप्टर कर लेंगे, मैक्सिमम हम पांच, मैक्सिमम पांच से छह दिन लगे, मतलब ये वाला वीक में हम इंशाल्लाह ये पांचवा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इतना बड़ा चैप्टर इतनी जल्दी कैसे खत्म होगा? बहुत जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह, आप कोऑपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह साथ साथ वाइंड अप होता जाएगा। अच्छा भाई, ये सवाल इम्पोर्टेंट भी है, बाज को आज पेपर में आ जाता है ये वाला ना, ए ओवर ए एक्स माइनस वन बी ओवर बी एक्स, बी ओवर बी एक्स माइनस वन ए और बी। अब इसमें पैटर्न ये है, या तो इसको ना ऐसे करते हैं हम, जो ए वाला है ना उसमें से माइनस कर देना ये वाला बी वाला पोर्शन, और ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाता है। इसने क्या किया, ये दोनों पोर्शन इधर ले आया, जब ये इधर आएगा ये भी माइनस हो जाएगा, बी भी इधर आके माइनस हो जाएगा हमारे पास। अब ये देखें, जो ए वाला है ना उसमें से हमने क्रॉस वाला माइनस करना है बी वाला, उसके अपोजिट वाला, और जो बी वाला है उसमें से हमने ए माइनस करना है। ये काम क्यों करना है, क्योंकि जब ऊपर वाली टर्म्स आएंगी तो आपस में कैंसिलेशन हो गए या कटने के बाद हमारे पास वो कॉमन शामन आ जाएंगे। अब ये देखें, इनका एलसीएम बन गया ए एक्स माइनस वन और इसका बन गया bx माइनस वन। अब इसके नीचे तो वन आ रहा है, इसका मतलब इस पूरे पोर्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, b इंटू ए एक्स माइनस वन प्लस इसका एलसीएम आ गया bx माइनस वन, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा b माइनस ए इंटू बी एक्स माइनस वन, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंड करने के बाद अब देखो a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, दोनों में सेम नहीं आ गया कॉमन आ गया, इधर क्या रह गया वन ओवर ए एक्स माइनस वन, इधर रह गया वन ओवर बी एक्स माइनस वन। अब फिर अगेन इनका एलसीएम लो, ये बन गया ए एक्स माइनस वन बी एक्स माइनस वन, बी एक्स माइनस वन इधर आ गया हमारे पास, ए एक्स माइनस वन ये आ गया। अब इनको देखो, ये हमारे पास क्या बनता है, माइनस वन माइनस वन, ये माइनस टू हो जाएगा और इधर से ये पोर्शन रह गया। अब आपको पता है जब ये वाली टर्म हो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू ओवर सिक्स एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो हो, तो आप नॉर्मली ये कहते हैं ये वाला पोर्शन उधर जाके क्या हो गया जीरो के बराबर, ठीक है ना, जैसे इसने ये किया है, ये नीचे वाला पूरा आ रहा है, ये दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई कर दिया वो जीरो के बराबर, बेसिकली ये जीरो के बराबर नहीं होता ऐसे जाके, तो हमने इसको वैसे नॉर्मली ये लिखते हैं ए एक्स माइनस वन और बी एक्स माइनस वन डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब ये नहीं है तो इसका मतलब ऊपर वाले वो पेयर बन गए हमारे पास, ये वाला पोर्शन, ये दोनों किसके बराबर होंगे जीरो के बराबर होंगे, इधर से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगले स्टेप में दिखाता हूँ आपको एक्स की वैल्यू जहां इसने फाइंड आउट की है ना, नेक्स्ट हमारे पास इधर आता है, ये देखें यहाँ पहले वाला इक्वल टू जीरो होगा या दूसरे वाला, पहले वाला जब जीरो होगा हमारे पास तो उधर से हमारे पास ए प्लस बी ये दोनों इस साइड पे रहे, ये वाला पोर्शन दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया। अब इसके नीचे साथ ए बी भी आ रहा है, ए बी नीचे जाके डिवाइड हो गया, एक्स की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, ये देखें एक वैल्यू ये आ गई, दूसरे वाला जब पोर्शन रखेंगे वो टू दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, दोनों में से ए एक्स कॉमन आ रहा था, एक्स कॉमन लेने के बाद हमारे पास रह गया ए प्लस बी, ए प्लस बी दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा टू ओवर ए प्लस बी। तो सॉल्यूशन सेट में आपने उसी तरह लिखना है इसका ना, सॉल्यूशन सेट में फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, कोई नहीं अरेंजमेंट इनकी, आप अपनी मर्जी से आगे पीछे कर सकते हैं। क्लियर हो गया आप साहब? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, बताओ भैया, मैं निशाना नहीं लगाया, शाहदेव से पूछ लें सर एक मिनट। नेक्स्ट है सर क्वेश्चन नंबर 8, ये तो हो गया ना, सर 9 है सर। अच्छा ये वाले जो क्वेश्चन है ना सर 9 है,
पहला था हमारे पास फैक्टराइजेशन, वो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में अब आपको इसका ना एक जनरलाइज फार्मूला हम प्रूव कर लेते हैं। सर आपकी स्क्रीन बिल्कुल वाइट हो गई है। हाँ ना, मैंने खुद ही किया, व्हाइट बोर्ड निकाला मैंने, व्हाइट बोर्ड यूज करने लगे हाफिज साहब। ठीक है हाफिज साहब घबरा ही गए थे। अच्छा ये देखो जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इसका जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है ना, उसमें मेथड में सबसे पहले हमने क्या करना है, जो ये एक्स के साथ एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशेंट आएगा उसको हमने वन बनाना है। उसको वन बनाने के लिए हमने क्या करना है, थ्रू आउट सबको ए पे डिवाइड कर देना, डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए। ए से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास एक्स के रह जाएगा, ये बन जाएगा बी ओवर ए एक्स, ये बन जाएगा सी ओवर ए और ये बन जाएगा जीरो ओवर ए। अब उसके बाद एक्स वाली टर्म एक तरफ रहनी है और एक्स के बगैर वाली टर्म एक तरफ, ये तो हमारे पास जीरो हो गया, ये वाली टर्म इधर आके माइनस हो जाएगी। पहला स्टेप ए स्केयर एक्स स्केयर के साथ जो भी टर्म आ रही है उधर वन, अगर पहले ही वन बना हुआ है तो हमने बनाना ही नहीं है, पहला स्टेप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दूसरा स्टेप एक्स स्केयर वाली टर्म्स एक एक्स वाली टर्म एक तरफ और दूसरी टर्म्स जो कॉन्स्टेंट टर्म आ रही है वो सब भी को दूसरी तरफ ले गए। थर्ड स्टेप में हमने ये करना है कंप्लीट स्केयर, इधर करना है हमने एक्स स्केयर प्लस ये वाली जो एक्स के साथ आ रही है टर्म इसका हमने हाफ करना है। इसका हाफ क्या बनेगा, बी ओवर ए है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वन बाय टू से, ये बन जाएगा बी ओवर टू ए, ये इसका हाफ हो गया। ये टू फार्मूले वाला बी ओवर टू ए और ये एक्स। अब ये देखें, ये फर्स्ट टर्म ये आ गई, ये सेकंड टर्म, इसका मतलब ये सेकंड टर्म का स्क्वायर है, सेकंड टर्म का स्क्वायर ये अपनी तरफ से किया हमने ऐड, तो इधर भी ऐड करेंगे, जो काम एक तरफ करते हैं वही काम दूसरी तरफ भी हम अप्लाई करते हैं उसको। अब ये देखें, अगर हम दोबारा ये चीज बनाना चाहते हैं ऊपर वाली, तो ये बन जाएगी टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा बी ओवर ए एक्स और ये वाला पोर्शन इस पोर्शन से कैंसिल हो गया, दोबारा हमारे पास यही पोर्शन बन जाएगा। अब इस स्टेप में हमने क्या करना है, एक्स प्लस बी ओवर टू ए का होल का स्क्वायर बन गया। देखें एक्स का स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर और इधर हमारे पास क्या बन गया, माइनस सी ओवर ए प्लस बी स्क्वायर ओवर फोर ए स्क्वायर। अब इनका एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, फोर ए स्क्वायर, तो इसके साथ अब फोर ए नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस फोर ए सी प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी ओवर टू ए। और लास्ट स्टेप हमारे पास है इनका बोथ साइड हमने टेकिंग स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। जब स्क्वायर रूट लेते हैं आपको पता है एक प्लस में आता है आंसर, एक माइनस में, स्क्वायर रूट जब खत्म करते हैं एक्स प्लस बी ओवर ए इक्वल टू प्लस माइनस। अब ऊपर वाले का टर्म का हमारे पास क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अरेंज करके लिख दिया, बी स्क्वायर प्लस वाला पहले माइनस फोर ए सी बाद में, ओवर फोर का अंडर रूट क्या होता है टू, ए का स्क्वायर का क्या होता है हमारे पास ए। अब ये वाली टर्म सारी इधर आ जाएगी, इधर आना था टू, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस बी ओवर टू ए प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए एक्स ओवर। अब ये देखें टू ए इनका एलसीएम आ गया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। एक तो हमने इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड भी सीख लिया है और सेकंड वन इसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। दोबारा शुरू से देख लें एक दफा, ये वाली टर्म होगी इसके साथ हमने वन बनाना है, वन बनाने के लिए हमने बोथ साइड ए स्क्वायर से ए से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद ये टर्म रहेगी, फिर हमने कांस्टेंट टर्म एक तरफ ले गए और वेरिएबल जिसमें आ रहा था, इसमें भी एक्स वेरिएबल आ रहा है इसमें भी एक्स वेरिएबल आ रहा है, उसको एक तरफ रखा बाकी सारी दूसरी तरफ ले गए। अब कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हमने क्या किया, इधर
कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हमने कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस टू फॉर्मूले वाला, और ये जो भी एक्स के साथ टर्म होगी उसका हाफ करना है, उसका हाफ करेंगे बी ओवर टू ए बन गया, वही जो हाफ किया हुआ है वो दोनों तरफ ऐड कर देना है स्क्वायर करके। आगे सिंप्लीफिकेशन की है, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद एट द एंड हमारे पास एक्स का आंसर ये आ गया। अब एक्स के आंसर दो बने इधर से, माइनस बी एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस बी एक दफा माइनस में। हाफिज साहब क्लियर है? यस सर। ओके अच्छा जी, आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास देखें सर, क्वेश्चन 6 करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 हाँ जी नहीं करवाया, चलो देख लेते हैं यार। वो भी एक दो हाईलाइट करवा दें सर। चलो चलो कोई भाई जान, आज बता दो मैं कल निशान लगा लूंगा, सही सही बता दो सर को। सर मेरे सारे लगाए हुए हैं, मेरे से पूछो सारे लगाए हुए। चलो ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा भी ये देखें इनका क्या करना है, इसको पहले, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है हमारे पास, हमें नहीं पता ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है या नहीं बनती। हमने क्या किया, ये जो नीचे आ रहा था पोर्शन इससे थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे पोर्शन क्या आ रहा है, ये तीन पोर्शन आ रहे हैं, टू है एक्स है और एक्स प्लस वन है, टू एक्स एक्स प्लस वन से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी और इसको भी, दोनों तरफ जब मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास सॉल्व करने के बाद ये देखें एक्स प्लस वन से कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, टू से टू कैंसिल, बाकी अंदर ये वाले पोर्शन रह गए। इन सबको आगे सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एट द एंड जाके यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये देखो टू है, अब टू से हमारे पास पेयर्स क्या बनेंगे, माइनस टू सॉरी प्लस टू, इधर क्योंकि प्लस आना चाहिए, ये देखें प्लस टू एक्स और माइनस एक्स, दो में से एक निकालेंगे तो एक्स रह जाएगा, दो को एक से जरब देंगे तो ये वाला पोर्शन बन जाएगा हमारे पास। फर्स्ट टू में से एक्स कॉमन आ गया, सेकंड टू में से टू कॉमन आ गया, तो पीछे टर्म हमारे पास एक्स माइनस वन दोनों सेम होगी, तो ये बन गई साथ एक्स प्लस टू, तो हमारे पास इधर से आंसर आ जाएगा एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू माइनस टू। इसको सोल्यूशन सेट में हम लिख देंगे माइनस टू एंड वन, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा इसका। ठीक हो गया, क्लियर? क्लियर सर। यस सर। ओके ओके ओके। अच्छा अभी नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन है। क्वेश्चन नंबर टेन है या नाइन है? टेन भी है। ठीक हो गया, दोनों ही है। क्वेश्चन नंबर नाइन, अब ये देखें सबसे पहला आपको बताया था क्वाड्रेटिक सॉरी कंप्लीटिंग स्क्वायर में इधर वन बनाना है, वन इधर पहले मौजूद है तो ठीक हो गया। दूसरा स्टेप वेरिएबल दोनों एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ ले गए। अब यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर करने के बाद अब ये देखना था हमने कि एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे करना था नेक्स्ट, ये बन जाना था एक्स स्क्वायर माइनस टू फार्मूले वाला एक्स ये वाली टर्म, और जब इसका हमने हाफ करना था, जब इसका हाफ करेंगे टू का हाफ क्या बनेगा, वन। बेसिकली तो यही है ना, टू को वन बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वन। टू का हाफ वैसे भी आपको पता है दो का हाफ एक ही होता है, तो टू का हाफ किया तो वन आ गया, तो वन का स्केयर हमने इधर भी ऐड कर देना है, दूसरी तरफ भी ऐड कर देना है, तो ये सारे का सारा कंप्लीट स्केयर बन गया, एक्स माइनस वन का होल स्केयर 899 प्लस 1 900 बन गया। दोनों का अंडर रूट लिया, इधर स्केयर रूट लिया, स्केयर रूट लेने के बाद ये तो कैंसिल हो गए, x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 30, एक दफा प्लस के बराबर रखा एक दफा माइनस के बराबर, इधर से जवाब बन गया हमारे पास माइनस 1 इधर आके प्लस हो गया 31, और इधर माइनस 1 था इधर आके प्लस 1 हो गया, तो ये बन गया माइनस 29। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट में इसने रिक्वायर्ड सोल्यूशन लिख दिया। क्लियर हो गया? यस सर। ओके क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस, अब इधर भी पहले भी वन ही है हमारे पास, वही पोर्शन उसी तरह, एक्स वाली टर्म एक तरफ, एक्स के बगैर वाली टर्म एक तरफ, अब इसका टू का फोर का हाफ करेंगे तो वो टू होगा, तो वो टू का स्क्वायर हमने इधर भी ऐड कर देना, टू का स्क्वायर इधर भी ऐड कर देना,
जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1089 और 1089 हमें पता है कि ये हमारे पास 33 का स्क्वायर होता है, जब इनका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास वो तो कैंसिल हो गया, इधर प्लस माइनस आ गया 33, x प्लस 2 इक्वल टू 33, एक दफा रख लिया x प्लस 2 माइनस 33, तो इधर से हमारे पास आंसर क्या आ गया 31 और माइनस 35, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट था। जी बताना अब्दुल्ला आगे क्या था? 12। इसके कितने और क्वेश्चन सर? टोटल 12 है, टोटल क्वेश्चन 12 है, 4.1 के शायद सर, 4 रह गए क्वेश्चन इसके बाद 12 के बाद। चलो क्वेश्चन नंबर ये 12 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 में उसी तरह हमारे पास 1 पहले ही मौजूद है, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, इसका अब हाफ करना है, 3 का हाफ करेंगे तो 3 को 1/2 से जरूरत देंगे तो ये बनेगा 3/2, वैसे तो जो हम कहते हैं 3 का हाफ बनेगा 1.5, तो पॉइंट में भी आप लेके चल सकते हो, लेकिन आंसर वो पीछे वो मांगता है दूसरे में ना, होल वाली फॉर्म में, फ्रैक्शन वाली फॉर्म में, तो इधर हमारे पास पॉइंट वाली फॉर्म में नहीं हमने आंसर देना। तो हमने क्या किया, उसका जब हाफ किया तो वो हाफ हमारे पास 3/2, 3/2 का हमारे पास स्क्वायर दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद हमारे पास ये बन गया, जब इसको कंप्लीट किया तो ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया, और इसका एलसीएम लेने के बाद हमारे पास बन गया 9/4, जब इसका एलसीएम लिया तो ये बन गया 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ गया 2592 प्लस 9 ऐड किया तो ये 2601 हो गया ओवर 4, बोथ साइड इनका अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट लेने के बाद 4 का अंडर रूट तो 2 हो गया और ऊपर वाले का हमारे पास बन गया 51, तो इस तरह x माइनस 3/2 इक्वल टू एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, आगे इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या और है कोई? 15 अब 15 क्वाड्रेटिक फार्मूला 15 का, चलो ठीक हो गया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला ये तो सिंपल है, इसका एक क्वेश्चन करके हम एक्सरसाइज दूसरी स्टार्ट करते हैं। ये तो जो भी है मतलब आपको सिंपल फार्मूला, ये जो अभी फार्मूला हमने प्रूव नहीं किया था ये वाला माइनस बी प्लस माइनस, ये फार्मूला याद करना है, इस फार्मूला पूछ भी लेता है पेपर में ना पूरे का पूरा फार्मूला। तो इसमें हमारे पास आपने स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म जो थी ना इसकी, ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें से कंपेयर कर लेना, ए की जगह क्या आ रहा है इधर 5, बी की जगह इधर क्या आ रहा है माइनस 13, सी की जगह क्या आ रहा है प्लस 6, वो इस फार्मूले में पुट कर दे, आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है ना, ये सवाल तो करवाने की जरूरत नहीं थी वैसे, लेकिन थोड़ा सा मैंने कहा हाईलाइट दे दें इसकी ना। ठीक हो गया, ये आगे वाले कर लोगे ना इसके? ये सिंपल है, या कोई ये मुश्किल है तो मुझे बता दो। यस सर, 9-10 में किए हैं जी सर, इंशाल्लाह सर कर लेंगे। ओके सर, बाकी कल करेंगे सर। यस, एक एक्सरसाइज होगी, बहुत है बस इतना ही। 4.2 जी सर। सर कल करेंगे 4.2 सर, कल करेंगे इंशाल्लाह। चलो सही हो गया सर, क्वेश्चन नंबर 19 करवा दें। चलो क्वेश्चन नंबर 19 तब तक वो देख लेते हैं। हाँ अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 19 है ना, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमने। ये भी सर सिलेबस में है। सिलेबस में है? यस है सर। हाँ हाँ यस सर, लेकिन ये पेपर में कभी भी नहीं आएगा। ठीक है जी सर, ये पेपर में हमारे पास कभी भी नहीं आएगा, लेकिन करना तो है ना, बुक में है, कुछ कहा नहीं जा सकता। सर आता क्यों नहीं पेपर में? पेपर में इतना ना, पेपर में दरअसल होता है जो पेपर सेटर होता है ना, वो बनाता है सबसे पहले आपका पेपर टाइम के हिसाब से, मतलब वो आपका अच्छा, अगर अच्छा, पेपर पेपर 3 घंटे का है ना अगर, तो उसने कोशिश ये करनी है कि आपका पेपर जो टाइमिंग है ना, जिसको सवाल आता हो, तो वो पेपर बनाने की कोशिश करता है कि मैक्सिमम आप 2 घंटे 30 मिनट में पेपर कर सकते हो, मतलब वो पेपर की सेटिंग ही इस तरह के उससे बनाता है क्वेश्चन, 2 घंटे 30 मिनट में आप करके 30 मिनट जो ऊपर वाले होते हैं उसमें रिव्यू कर सकते हैं आप। यस, बेसिकली उसका मकसद ये होता है। और ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं मतलब होते तो हैं मतलब सिलेबस का हिस्सा, लेकिन फिर पेपर में क्यों नहीं आते हैं, वो यही वजह बन जाती है, जब पहले होते थे एमसीक्यूज नहीं होते थे तब इस तरह के क्वेश्चन आते थे। यस, लेंथी लेंथी।
अब इसमें करना क्या है, इसमें हमारे पास सिंपल सा सर इस बार तो सुना है कि हमारे सिर्फ 1.5 घंटे के एमसीक्यूज ही आएंगे, अभी कंफर्म कुछ नहीं आप सब जब तक चक्कर आ रहे हैं आपको जब तक हाँ जब तक कोई गवर्नमेंट अनाउंस नहीं ना करती प्रॉपरली, कोई नोटिफिकेशन बकायदा निकलता नहीं है तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि मतलब ये क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता। सर अगर 6 महीने कोरोना रहे तो हमारे आएंगे पेपर अल्लाह ना करे हो भाई बस करो यार सर ये भी गया रहे प्रमोट कर देंगे 12th तक के पेपर नहीं होते। हाँ देखें सर प्रमोट कर देंगे मैं भी देखते हैं क्या करते हैं। चलें ये क्वेश्चन करते हैं फिर इसके बाद करते हैं पूछते हैं x माइनस ए x माइनस बी x माइनस बी x माइनस सी x माइनस सी x माइनस ए वो एक चेन से चल रहा है ए बी बी से सी सी से ए इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट वाले की, ये बन गई इक्वेशन हमारे पास सेकंड वाले की मल्टीप्लाई करने के बाद, ये बन गई हमारे पास थर्ड वाले की एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर दो एक्स स्क्वायर तीन ये आ गया 3x2। अब ये देखें माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस दो एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी एक्स माइनस टू बी एक्स इसी तरह सी एक्स भी होगा हमारे पास माइनस ई एक्स माइनस ई एक्स माइनस टू सी एक्स बाकी रिमेनिंग आ गया ए बी बी सी और ए सी और ये लास्ट में लिख दिया। अब ये देखो सबसे पहले वाले में हमारे पास 3x2 आ गया, इन तीनों में से हमारे पास x कॉमन आ रहा है ये बन गया माइनस टू ए बी सी और x और ये कॉन्स्टेंट। अब ये देखें ये टर्म कौन सी आ गई a की, ये टर्म सारी की सारी किसकी आ गई b की, ये सारी सारी टर्म आ गई c की। इस फॉर्मूले में जहां जहां b आ रहा है वहां हमने यहां से लेके इतनी इक्वेशन ये सॉरी इसकी वैल्यू पुट कर देनी, जहां जहां a आ रहा है वहां 3 पुट कर देना, जहां जहां सी आ रहा है वहां ये वाली टर्म पुट कर देनी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये देखो माइनस बी की जगह हमने क्या पुट करा माइनस टू ये वाला पोर्शन ये लिख दिया हमने माइनस वो फॉर्मूले वाला पहले प्लस माइनस माइनस अब ये बी की वैल्यू अगेन पुट की माइनस टू का माइनस टू ए प्लस बी प्लस सी सबका होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी सॉरी बी सी फोर नहीं 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 ये है ना फोर ए सी। अब ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 और हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ गई ये वाली ये पुट कर दी और नीचे 2 ए है ए ये हमारे पास 3 है वो नीचे बन गया 6। आगे सिंप्लीफाई करेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जो दिए होते हैं ना नॉर्मली अगर एक आध इस तरह का क्वेश्चन कर लेते हैं ना हम टफ क्वेश्चन कर लेते हैं एक अगर हमारा उस पर अबूर हो जाता है तो फिर हमें मतलब अगर जैसे आप एक लॉन्ग टूर करके आ जाओ तो लॉन्ग टूर के बाद आप अगर जरावाला जाना है आपने या चनियोट जाना है या कहीं पास आगे पीछे जाना है तो वो फिर आपको छोटा ही लगेगा टूर ये छोटा सा टूर है। तो इसी तरह अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन आप लेंथी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो तो आपके लिए जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो मुश्किल नहीं होते वो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक हो गया भी? ठीक हो गया हाँ जी चलो जी एक मिनट रह गया कोई और बात पूछनी है परसों मैंने आपकी क्लास लेनी थी मैं स्वाद था तो मैं चला गया था ऊपर मालम जब्बा में जाके सिग्नल ड्रॉप हो गए तो उधर स्नो बहुत हो रही थी इतनी ठंड में सर उधर क्या करने गए थे वैसे यार दोस्त कह रहे थे सर आपको मसला है सही से एंजॉय करते हैं एंजॉय करने के लिए ना इसीलिए आप उसको एकेडमी भी दो दो जर्सियां डाल के आता था कसम से कल मुझे बड़ी ठंड लगी है हां हां सही हो गया।